जगिए सारा है माता की महिमा। सुमन सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? पता नहीं नरेन, नींद नहीं आ रही है। ये एहसास कि मैं अपना बच्चा खो दिया, ये एहसास मुझे परेशान करे जा रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, शायद डॉक्टर ने कोई नींद की दवाई लिखी हो। लगता है कोई रेडियो चैनल कनेक्ट हो गया स्पीकर से, मैं भी बंद कर देता हूँ। नहीं अश्ने, तुम क्या, आवाज में कुछ अपनापन सा है। ऐसा लग रहा है ये लोरी मैंने पहले भी सुनी है। सुमन क्या हुआ? चलो सो जाओ। नारायण नारायण, कैसा अद्भुत, हृदय को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य था ये। एक माता अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाए, ये तो कई बार देखा है, किंतु एक बच्चा अपनी माँ को लोरी गाकर सुलाए, ये तो पहली बार देख रहा हूँ माता। निश्चित रूप से इसके वाणी में माता सरस्वती विराजमान है। मन निर्मल हो, विचार नेक हो तो देवी सरस्वती जीवा पर स्थान धारण कर वाणी मधुर बना देती है। क्योंकि अब महिमा की यह निर्मलता, उसकी ये मधुरता, उसके और उसकी माँ की डोर को पुनः जोड़ देगी। चाहा चाहा वहां रहा। और ये इंद्राणी अहंकार में चूर ये निर्दयी औरत महिमा को पुनः हानि पहुंचाने का प्रयास करने वाली है। मैं जानती हूँ नारद, पर तुम भी जानो, इस बार अगर इंद्राणी महिमा को पीड़ा पहुंचाई, वो पीड़ा उसे स्वयं भी भुगतनी पड़ी। मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। नारायण नारायण, माता की जय हो।
ऐसा झटका देगी कि वो दम तोड़ देगी। मेरे साम्राज्य में इस पत्थर की मूरत माता रानी की परचम लहराएगी। मूर्ख कहेगी, देख अब तेरे साथ क्या होता है। माता, ये तो देवराज इंद्र का वज्र है। हाँ नारद, तीनों लोकों की समस्त विद्युत शक्तियों का केंद्र ये वज्र है। तुम्हें सुधरने के बहुत मौके दिए इंद्राणी, पर अब समय है तुम्हें दंड देने का। एक बच्ची पर बार बार प्रहार करने वाले को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकती। माता, जो इंद्राणी महिमा के प्राण लेने की चेष्टा कर रही है, वही महिमा उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। अपने भक्त के सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को मैं अनसुना नहीं कर सकती नारद। मुझे इंद्राणी को क्षमा देना ही होगा। माता रानी की कृपा से अब तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरा वार मुझ पर उल्टा कैसे पड़ गया? कुछ तो है जो बचा रहा है महिमा को। बार बार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी माता रानी सच में है? नहीं नहीं, एक ही भगवान है इस धरती पर और वो मैं हूं। मुझे चोट पहुंचाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यहाँ कैसे आया? कहीं का
काली साड़ी वाली औरत ने तो नहीं किया इन पे हमला इन तारों से। उसने मुझे भी दीवार में बंद किया था। ये कौन है जो हमें माना जाती है? कौन थी ये काली साड़ी वाली औरत? हो सकता है उसी ने इन्हें भी मारने की कोशिश की हो। माता रानी, मेरी परिवार की रक्षा करना। जय माता दी। नारायण नारायण। मेरी उलझनों को बस वही सुलझा सकते हैं। मुझे उन्हें बताना होगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या गलत हो रहा है। अपनी तस्वीर की घर में स्थापना करने से पहले मुझे उन्हें यहाँ बुलाना होगा। मुझे अपने आप को भगवान घोषित करना है। अब मेरे काम में कोई विघ्न ना आए इसके लिए मुझे उनकी नींद में विघ्न डालना होगा। उनकी सालों की तपस्या को भंग करना होगा। दीदी घर में पूजा पाठ नहीं करने देती, इसलिए सबके उठने से पहले मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। अब तुम इस घर में आ गई हो तो सोचा कि तुम्हें भी प्रसाद दे दूँ। वैसे भी सही मायने में इस घर में तुमने ही भक्ति शुरू की है। हाँ मामी, लेकिन लगता है मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी। तभी माता रानी ने मेरे से मेरी संतान छीन ली। तुम ही कहती हो ना, माता रानी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहती। देखना, माता रानी जल्दी तुम्हारी झोली में खुशियां भर देंगी। जय महाराज, इंद्रायणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरी साधना को भंग करने का दुस्साहस किया तूने। बंसों से ध्यान में बैठे हुए हैं और तुमने एक क्षण में माफ कीजिए महाराज, बात गंभीर नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती। 8 साल पहले आप ही के कहने पर मैंने घर से भक्ति का अंत कर दिया था।
पिछले कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ललकार रहा है। एक छोटी सी बच्ची, उससे मैं बार बार हार रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची? हाँ महाराज, आपको हमारी मदद करनी होगी। वो छोटी बच्ची कहती है कि वो शेरावाली की भक्त है। क्या कहा तुमने? शेरावाली की भक्त? मैं जानती हूँ महाराज, आप ये कलयुग में भक्ति की जीत कभी नहीं होने देंगे। हाँ इंद्राणी, युगो युगो से हमने स्वर्ग लोक में बैठे सभी देवी देवताओं का घोर विरोध किया है, और आज इस कलयुग में हम उन्हें विजयी नहीं होने दे सकते। अपने आंगन की मिट्टी लाई हो? जी हाँ, मुझे पता था। ठहरो इंद्राणी, ठहरो। संकेत इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में उजाला आ चुका है। इंद्राणी, तुम अपने आंगन से भक्ति को नहीं मिटा पाई हो। तुम्हारे घर में दैवी शक्ति का वास है। तुम भक्ति को अपने घर से दूर करने में असफल हो। दिव्या शक्ति, पर किसके पास? पानी की नदियां, नदियां में पानी, मेरे पूजा को स्वीकार कर लो माता रानी। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी माँ को मैं याद आ जाऊं, मुझे बेटी कहकर बुलाए, वो मुझे गले से लगा ले। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। क्या अपनी भक्त महिमा की पुकार सुनकर माता रानी करेंगी चमत्कार और याद आ जाएगी एक माँ को उसकी बेटी? मेरे 7 सालों में क्या हुआ था मुझे जानना है। मुझे अपने दिमाग पर जोर डालना है ताकि मुझे कुछ याद आ जाए। हे माता रानी, मदद करो। Ah!
मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। अजीब सा दिखाई दे रहा है? कोई दृश्य दिखाई दे रहा है। डॉक्टर वाले के चलता हूँ, चलो ये खिलाऊंगी माँ को, उन्हें पुरानी बातें याद कराने के लिए। नरेन मैं भी साथ चलती हूँ। मम्मी जी आप घर में रुकिए प्लीज। क्या हुआ माँ को? दूर हटो। सुबह जब मैंने सुमन को प्रसाद दिया था तब तो उसकी तबीयत ठीक थी, पता नहीं अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। क्या हुआ था माँ को? नरेन कह रहा था कि सुमन को कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। काकी ने माँ को माता रानी का प्रसाद दिया और उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी। इसका मतलब है अब वो मुझे पहचान लेंगी। नहीं महाराज, मेरे घर में देवी अशक्ति कैसे प्रवेश कर सकती है? मैंने तो देवी की मूर्ति को भी पर्दे से ढका हुआ है पिछले 8 सालों से। उस घर में सिर्फ एक ही शक्ति का साम्राज्य है, वो मैं हूँ। अच्छा, झूठ। तुम कह रही हो कि उस घर में है तो साम्राज्य सिर्फ तुम्हारा? ना, अभी तुमने स्वयं कहा कि उस छोटी सी बच्ची के आगमन के पश्चात तुम्हारे दुख आरंभ हुए, तो इसका अर्थ यह हुआ मूर्ख कि उस छोटी बच्ची के माध्यम से दैवी शक्ति का आगमन तुम्हारे घर में हो चुका है। आखिर महिमा की भक्ति की शक्ति का एहसास दिला ही दिया इंद्राणी के गुरुजी कालजई ने उसे। यहाँ से शुरू होगी धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ी लड़ाई। जिसके मन में मेरे लिए प्रेम और समर्पण की भावना होती है मेरे लिए वही भक्त है। जो भक्त अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। भक्ति में शक्ति मेरे किसी चमत्कार के कारण नहीं बल्कि भक्त से भक्तिपूर्ण व्यवहार के कारण आती है। साफ मन हीरे से अधिक ताकतवर होता है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।